अगला पॉइंट बच्चों आते हैं राज मुद्रा पे। स्वराज्य की स्थापना के पीछे महाराज शिवाजी महाराज का उद्देश्य उनकी जो इस राज मुद्रा द्वारा स्पष्ट होता है कि इस राज मुद्रा में जो निम्न संस्कृत पंक्तियां उकेरी है उससे स्पष्ट होता है कि उनकी भावना स्वराज्य के प्रति क्या थी, है ना। देखो यहाँ पर आप लोग हिंदी में पढ़ो। शाहजी पुत्र शिवाजी की प्रतिप्रदा के चंद्रमा की कला के समान बढ़ती जाने वाली तथा जिसको संपूर्ण विश्व ने वंदना की है, ऐसी यह मुद्रा प्रजा के कल्याण के लिए अधिराज्य चलाती है। मुद्रा पर अंकित इस सुवचन का अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज के इस सुवचन द्वारा पिता के प्रति कृतज्ञता, स्वराज्य अविरत विस्तार पाएगा, यह विश्वास मुद्रा अर्थात स्वराज के प्रति सभी को होता है, प्राप्त होता है। आदर भाव जो है उन्होंने इसके प्रति दर्शाया है। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों अगले पॉइंट पर। प्रजा के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता, अपनी भूमि पर स्वतंत्रतापूर्वक अधिराज चलाने का विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। इस लघु सुवचन में स्वराज्य की संकल्पना का सर्वांगीण सार सिमटा हुआ है। अगला आ जाते हैं बच्चे स्वराज्य की स्थापना की गतिविधियां। शिवाजी महाराज की जागीर में जो किले थे वे वास्तव में उनके अधिकार में नहीं थे, सिर्फ जागीर था। जागीर मतलब आपको इसके पहले मैंने पढ़ाया कि वहाँ के राजस्व को वसूलना, वहाँ के राजस्व को लेना। वे किले गढ़ आदिल शाह के नियंत्रण में थे, सिर्फ उनका जो उनको जो वहाँ का राजस्व वसूलना था वो अधिकार शिवाजी महाराज को दिया गया था। उस समय किलों गढ़ों का असाधारण महत्व, बहुत महत्व था किले और गढ़ों का। जिनके पास जितना किला होता था उनका वर्चस्व उतना ही समाज में ज़्यादा होता था। किला अथवा गढ़ अपने अधिपत्य में हो तो आसपास के प्रदेशों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। स्थिति यह थी कि जिसका किला उसी का राज्य। शिवाजी महाराज ने अपनी जागीर के किले को अपने अधिकार में कर लेने का निश्चय किया। किलों को अपने अधिकार में कर लेने का प्रयास करने का अर्थ आदिल शाह की सत्ता को चुनौती देना। उन्होंने तोरणा, मुरुम्ब, देव, कोढ़ाड़ा, पुरंदर किलों को अपने अधिकार में कर लिया, स्वराज्य की नींव रखी। मुरुम्ब देव जो किले की मरम्मत कर उसका नामकरण जो है राजगढ़ किया गया, नया नाम दिया गया। राजगढ़ स्वराज की प्रथम राजधानी बनी। आदिल शाह में जावली के मोरे, मुंधोल के घोरपड़े, यहाँ पे देखो सावंतवाड़ी के सावंत आदि जो सरदार थे, इन सरदारों ने स्वराज स्थापना के प्रति विरोध किया। स्वराज स्थापना के लिए इन सरदारों को सही रास्ते पे लाना आवश्यक था। अब इनको सही रास्ते पे लाने के लिए शिवाजी महाराज ने उपाय किया। यहाँ पर देखिए आप लोग अभी आगे है जिन लोगों ने विरोध किया। जावली पर अधिकार। सातारा जिले में जावली नामक स्थान पर सरदार चंद्रराव मोरे थे। वह आदिल शाह का पराक्रमी सरदार था। उसने स्वराज स्थापना के कार्य में विरोध किया। अतः ईस्वी सन 1656 में शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर उस प्रदेश को जीत लिया, उसे अपना केंद्र बनाया। इसके बाद रायगढ़ भी जीत लिया। जावली की विपुल संपत्ति उनके हाथ लगी। जावली को जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने कोंकण में अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी। उन्होंने जावली की घाटी में प्रतापगढ़ किले का निर्माण करवाया। जावली पर विजय प्राप्त करने से उनकी अर्थ में सभी प्रकार से वृद्धि हुई। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी भी जीत लिए। इससे उनका पश्चिमी तट पर बसी सिद्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी सत्ताओं से आमना सामना हुआ। यदि इन सत्ताओं से संघर्ष करना है तो हमें शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करना होगा। नौसेना बच्चे मतलब मालूम है पानी की, जो आप लोग अभी भी देखो थल सेना, जल सेना, है ना, वायु सेना। तो नौसेना जो है वो कहाँ पर उसका कार्य कहाँ पर होता है, जल सेना जो होते हैं उसमें शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करना होगा, यह उनके ध्यान में आया। अतः उन्होंने नौसेना का निर्माण की ओर ध्यान दिया।